आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी स्टूडेंट्स की, आज स्टूडेंट्स की लाइफ की बात होगी, आज विद्यार्थी की बात होगी, तालिब इल्म की बात होगी, शिक्षा और तालीम, एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स की बात होगी, आज यूएन के रिकॉर्ड्स की बात होगी, आज ब्रिटिश चैरिटी की बात होगी, यूनेस्को की बात होगी और इस तरह से बहुत सारी बात होगी। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की बात होगी, बहुत सारी बात होगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ये खासकर मेरी चाहत होती है कि तालीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं। सबसे पहले मैं जो है आपको बताने दीजिए, यूएन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है। 1.57 बिलियन, लगभग 157 करोड़ अफेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स COVID-19 के कारण पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। लगभग 32 करोड़ लोग हमारे भारत देश में अफेक्ट हुए हैं क्लोजर्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कारण। इसलिए मतलब स्टूडेंट्स का अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी ब्रिटिश चैरिटी यूनेस्को क्या कहता है कि लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ स्टूडेंट्स विल नेवर एंड कैन नेवर गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज बैक, कभी भी वो स्कूल और कॉलेज जा नहीं पाएंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी का रीज़न है, उनके पास बहुत सारी दिक्कतें, उनके पेरेंट्स गार्जियंस जो कमा रहे थे वो जॉबलेस हो गए, उनके दिक्कतें आ गई लाइफ में, इसलिए वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो हर साल छोड़ देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, लैंग्वेज बैरियर के कारण, लैंग्वेज बाउंडेशन के कारण और बहुत सारा रीजंस जो है उनको स्कूल छोड़वाना पड़ता है। लगभग 7th तक क्लास 7th तक पहुंचने में पूरी दुनिया में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो लगभग मेरे ख्याल से कि 20 मिलियन, लगभग 15 से 20 मिलियन, 10-15 से 20 मिलियन मतलब बच्चे छोड़ देते हैं, लगभग 7 पढ़ते 6 पढ़ते छोड़ देते हैं। सोचिए उनके लिए उनकी लाइफ में कितनी दिक्कत है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग प्राइमरी लेवल के जो हमारे पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 140 मिलियन चिल्ड्रेन है, 140 मिलियन स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स, और अगर हम प्राइमरी लेवल में हम एजुकेशन छोड़ दें तो हमारी लाइफ किस तरह की होगी, हमारी लाइफ कैसी होगी वो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ एजुकेशन, ये हमारे जो भारत में देश में हमारे नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, आफ्टर 34 ईयर्स लगभग 34 साल बाद फिर से इसको लॉन्च किया गया है, लाया गया है मार्केट में। 1992 में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आए थे, लेकिन फाइनल ये 2020 में हाल ही में आई है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इंडिया में, भारत में, मैं एक चीज़ देखता हूं कि हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, थ्योरी बेस्ड नॉलेज हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, पढ़ते रहते हैं किताबों को, हम बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी करते हैं, रटने वाली विद्या को हम ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम आगे आने वाले कल में सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन जो अप्रोच दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कुछ समझाया गया है, कुछ पहले से कुछ ब्यौरा दिया गया है उसमें, उसको देख कर ये लग रहा है कि अब थोड़ा सा हमारे एजुकेशन शिक्षा के फाउंडेशन में बदलाव आ सकता है, और ये बदलाव अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए अच्छा है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले हमें अभी इस वक्त क्या करना पड़ता था कि हमें 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती थी, या CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ें तो हमें इंग्लिश, और UP बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से पढ़ें तो हमें हिंदी। लेकिन अब आप लगभग प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो ले सकते हैं अपनी रीजनल, अपनी क्षेत्रीय भाषा में ले सकते हैं, इसलिए आपकी लैंग्वेज बाउंडेशन, लैंग्वेज बैरियर आपका खत्म हो गया, आपको इसकी वजह से आपको स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर स्कूल के हैं, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इसको हम HRD मिनिस्ट्री लाना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाना चाहती है फिर से स्कूल में इनको वापस, इनको प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फाइनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने चार भागों में बांटा गया, जैसे पहले था 10+2, लेकिन इसको 4 भागों में बांटा गया है, इसको बोला गया है 5+3+3+4, 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है, सबसे पहले 5 साल, कोई भी बच्चा बच्ची का 5 साल मतलब प्राइमरी लेवल का, जिसको आप बोल सकते हैं फाउंडेशनल स्टडी, फाउंडेशनल कोर्स, फाउंडेशनल लाइफ, फाउंडेशनल एजुकेशन। तो फाउंडेशनल एजुकेशन को हम एक तरह से प्री प्राइमरी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, फाउंडेशनल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आपका नर्सरी, LKG, UKG और क्लास फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको बताया क्या जाएगा, इसमें आपको एक्टिविटीज करवाई जाएगी, स्पोर्ट्स के बारे में समझाया जाएगा, सब्जेक्ट्स के बारे में समझाया जाएगा, बहुत सारी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको समझाई जाएगी। फिर आपका आता है सेकंड, जिसको आप बोल सकते हैं
प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है एजुकेशन का, इसमें 3 साल आपको दिया गया है। मतलब कि आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट, किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको समझ में क्या आएगा। उसके बाद तीसरा आपका फिर 3 साल का जो मामला है वो आपका है सेवन एट्थ नाइन्थ में आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी और आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उस पर काम करने के लिए बताया जाएगा। मतलब ये तो बड़ी खास बात है, जब आपको प्रैक्टिकल कोई चीज़ मिलेगी ना, जब आपको कुछ भी प्रैक्टिकल करने को मिलेगा ना, तो आपको समझ में आएगा, आपको अपनी काबिलियत के बारे में समझ में आएगा कि हाँ आप कुछ करने के लायक। नहीं तो पढ़ते रहो जाते रहो, उसके बाद जब इंटरव्यू देने गए फंस गए। तो इसमें ये चीज़ जो इंटर्नशिप वाली है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने वाली बात है, ये ऑसम है। और फोर्थ जो आपका फिर 4 साल का है, मतलब नाइन्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ 4 साल है लास्ट में ना, 5+3+3+4 मतलब 8th 9th 11th 12th, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, चलो उसको देख लेंगे। पहले आपका 5 साल था, 5 साल के बाद 3 साल था, फिर 3 साल था, फिर 4 साल था, तो 2 तक वहाँ आ गया, फिर उसके बाद जो है 3, 4, 5, 5 तक यहाँ आ गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाँ 9, 10, 11, 12 वही कन्फ्यूज़ हो गया। तो 9, 10, 11, 12 मतलब 4 साल आ गया इसमें। तो 9th to 12th जो मामला आपका है, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो को एडिट देखो नहीं करूँगा, ऐसे ही डालूंगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा, इंसान भूलता है, वीडियो बना रहे हैं भूलेंगे, कोई पेपर ओपर लेके डायरी ओरी लेके खड़े नहीं है। अब ये जो आपका 4 साल है, 9th 10th 11th 12th, ये इसमें क्या आपको समझना है कि इसमें जैसे पहले हमारे पास होता क्या था कि हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती थी, कॉमर्स होती थी, साइंस होती थी और आपकी कॉमर्स होती थी साइंस होती थी और आर्ट्स होती थी। हम कॉमर्स का अगर सब्जेक्ट लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए हैं, टैक्सेस लिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिए हैं, तो और सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं कर सकते। आर्ट लिए हैं तो यही चूज़ करना होगा, साइंस लिए हैं तो यही चूज़ करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। लेकिन अब क्या है कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हुए कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, आप वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी सूचना है, ये तो बड़ा अच्छा आपके लिए है कि आपके लिए सब्जेक्ट्स की कोई बाउंडेशन रहेगी, चूजिंग एनी स्ट्रीम यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करके कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा संविधान भी कहता है, हमारे देश में इस तरह की बात भी है कि राइट टू एजुकेशन 7 to 14 years लगभग 7 से 14 साल तक हमें राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। लेकिन अब क्या है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 से लेकर 18 साल तक ये हमारे देश में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मतलब 18 साल तक उसको बिल्ड किया जाएगा, उसको ला के खड़ा किया जाएगा उस चौराहे पे, उस मार्ग पर जहाँ से बच्चा अपने बारे में, अपने सेंस लगा के खुद अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में सोच सके और उसको आगे के बारे में डिसीजन ले सके कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, और लास्ट में ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होगी, चलते हैं देखते हैं इन सब चीज़ों से हमारे देश में, हमारे देश के लोगों पर, इस चिल्ड्रेन पर, एजुकेशन पर और स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या बदलाव आता है। आई होप, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि अच्छे बदलाव आएंगे, हम सब मिल के शिक्षा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र डालना है मेरे दोस्तों कि हम कुछ लोग तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं नहीं है, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जो मोबाइल चलाना ही नहीं जानते, या जिनके पास गार्जियंस हैं तो उनको नहीं पता है मोबाइल कैसे इनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो मैं आपके छोटे बच्चों के लिए, प्रोनंसिएशन के लिए, उच्चारण के लिए एक एप्लीकेशन बताना चाहूँगा, गूगल बोलो ऐप। गूगल बोलो ऐप के तहत आप अपने बच्चों को स्टोरीज, कहानियाँ, उसमें आपको एक दिया नाम की मतलब लड़की मिलेगी, दिया नाम की लड़की आपको समझाएगी सारी चीज़ें, प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने छोटे बच्चों का लगभग मतलब 5 से लेकर 12, 14, 15 साल तक के बच्चों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहानियाँ पढ़वा सकते हैं, उच्चारण उनकी जुबान सही होगी तो ये उनके लिए हेल्प करेगा, घर बैठे थोड़ा सा ज्ञान लेते रहिए। और चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर बुनियाद को मजबूत करते हैं, एजुकेशन को मजबूत करते हैं, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सबके घर में एजुकेशन आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।